फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मुझे काफी रिक्वेस्ट आया है इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने के लिए। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्या उसका बिजनेस मॉडल है, क्या उसके नंबर्स हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और कंपनी का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक। इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाए, मैं आप एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इसमें हमारा कोई होल्डिंग नहीं है, मेरा पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है। और इट्स लाइक कि मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा, इट्स जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस कि थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी काम क्या करती है, और उसके बाद यदि आपको इन्वेस्ट करना हो या जो भी, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और फिर ही डिसीजन लें कि कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के बारे में थोड़ा समझते हैं। इससे पहले कि कंपनी के बिजनेस को समझे, थोड़ा सा उसके फंडामेंटल्स जो नंबर्स है उसको एनालाइज किया जाए। तो कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 3,630 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंटली 330 रुपए पे ट्रेड कर रही है। ऊपर 348 रुपए का हाई बनाया था, वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ही काम कर रही है कंपनी अभी। नीचे 52 वीक लो का बात करें तो 221 रुपए का लो था। 14.7 के पी पे है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं दिख रहा है अभी। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 14.4%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 11.3। तो रिटर्न्स के मामले में अगर मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो मुझे वो कंपनीज ज्यादा पसंद आती है जिसका मिनिमम 15% से ऊपर का रिटर्न ऑन इक्विटी हो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 15-17% से ऊपर हो। तो उस मामले में ये कंपनी ने थोड़ा रिटर्न कम दिए हैं। इंटरप्राइस वैल्यू 3,500 रुपया का है, प्राइस टू बुक 1.88 है। तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट मिलता है कि प्राइस टू बुक इज नॉट वेरी हाई। सिमिलरली मार्केट कैप टू सेल्स इज बिलो 4, विच इज ऑल्सो ओके, सो वैल्यूएशन इज नॉट वेरी हाई। डेट नहीं है कंपनी में, आप देख सकते हैं डेट इक्विटी इज 0.01। तो कंपनी इज मोर और लेस, अगर नेट डेट बेसिस पे बात करूं तो डेट फ्री लग रही है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ नंबर्स देखते हैं तब हम लोग बेटर जज कर पाएंगे। फ्री कैश फ्लो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है, 225 करोड़ है। तो यानी कंपनी कैश फ्लो डेफिनेटली जनरेट करती है। फिर आपका पेग रेशियो इज बिलो 1, तो अगेन यहाँ पर भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। प्रमोटर के पास 60% करीब होल्डिंग है। कैश इनके पास 46 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा हुआ है। मार्केट कैप टू कैश फ्लो इज 14। तो मोर और लेस नंबर्स को देख के ये समझ में आ रहा है कि भले ही इन्होंने बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं बना के दिए, बट वैल्यूएशन वाइज अभी भी थोड़ा बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट हमें मिल सकता है इसमें। अब इसके बिजनेस के बारे में समझते हैं कि कंपनी बिजनेस क्या करती है। टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग जो है ये इंगेज्ड है प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यानी ईपीसी प्रोजेक्ट में ये लोग इंगेज्ड। नाउ क्वेश्चन आता है कि ये ईपीसी प्रोजेक्ट क्या होता है। तो ईपीसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऐसा होता है कि आप शुरू से लेके अंत तक सारा काम आप करते हो और पूरा फिनिश्ड काम करके आप प्रोजेक्ट को सामने वाले जो ओनर है या जो भी जिन्होंने आपको ये काम दिया उसको हैंड ओवर करते हो। तो ये लोग पूरा ईपीसी प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं। एसेट ओनरशिप मतलब बहुत सारे असेट अपने ओनरशिप में भी रखते हैं ये लोग, तो असेट ओनरशिप का भी इनका काम है। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ सर्विस एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे भी काम। बिजनेस सेगमेंट का अगर मैं बात करूं तो ईपीसी इनका जो मैं बताया कि मेन है, इसमें लोग क्या काम करते हैं। द कंपनी प्रोवाइड्स फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन टर्नकी सॉल्यूशंस टू कैप्टिव पावर प्लांट्स। तो अभी क्या नियम आ गया है, ये फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन यानी FGD का जो है ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो या पावर प्लांट में स्पेशली, सल्फर एमिट होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है जिससे पॉल्यूशन बहुत क्रिएट होता है। तो उससे क्या होता है, वो बहुत हानिकारक होता है सेहत के लिए। तो सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपको सल्फर के एमिशन को कम करना ही होगा अपने बिजनेस में। तो सल्फर को के एमिशन को कम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन। आप समझ सकते हो डीसल्फराइजेशन मतलब सल्फर के एमिशन को कम करना। तो उसका टर्नकी प्रोजेक्ट लगा के देने का ये काम करती है। तो उस वजह से क्या है, इनका डिमांड बढ़ रहा है क्योंकि जितने ज्यादा पावर प्लांट्स आएंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के कगार पे, तो उसके लिए आपको पावर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा। अभी जितना पावर का रिक्वायरमेंट है शायद उससे 2 गुना तो मिनिमम हो जाएगा। तो वहां पर क्योंकि पावर का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, पॉल्यूशन से बचाने के लिए FGD सोल्यूशन का बहुत रिक्वायरमेंट आगे चल के भी बढ़ने वाला है। फॉर ट्रांसमिशन एक्टिविटीज इट कंस्ट्रक्ट एयर इंसुलेटेड इंसुलेटेड एंड गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन।
तो ट्रांसमिशन जो ये लोग पावर पावर को जनरेट करके ट्रांसमिशन करके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये सारा काम ये पावर के जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सारे ही काम में एंगेज है। तो इसमें ये लोग पूरा ये इसमें ये लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं कि एयर इंसुलेटेड और गैस इंसुलेटेड सबस्टेशंस बनाने का काम भी करते हैं। ग्रीन पावर में इनके पास विंड मिल्स है जहां पर 129 मतलब 130 मेगावाट का एनर्जी कैपेसिटी है। तो मैनेजमेंट ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कहा है कि इस प्लांट को ये लोग या तो ये लोग अभी नया डाटा सेंटर का एक बिजनेस में जा रहे हैं तो बोले वहां पर हमारा ये प्लांट काम आ जाएगा पावर प्रोवाइड करने में, और एल्स अगर हमें कोई अच्छा बायर मिलता है इस प्रोजेक्ट के लिए तो वी कैन इवन सेल दिस प्रोजेक्ट। तो ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्होंने पहले भी अपने एक दो प्रोजेक्ट्स को अच्छे प्राइस पे बेचा है। तो इनका काम यही है कि ये लोग विंड पावर मिल स्टार्ट करते हैं, जब वो स्टार्ट हो जाती है फंक्शनिंग हो जाती है किसी कंपनी को ये लोग अच्छे प्राइस पे बेच देते हैं। तो यही इनका एसेट ओनरशिप वाला जो बिजनेस है ना, जहां हम बात कर रहे थे कि असेट ओनरशिप, ये असेट ओनरशिप वाला बिजनेस इनका ये ग्रीन पावर वाला ही बिजनेस है। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स भी ये लोग करते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अभी रिसेंटली सरकार का एक आर्टिकल भी मैंने पढ़ा था जहां पर सरकार हो सकता है आने वाले बजट में या आने वाले समय में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काफी जोर देना चाहती है। सरकार चाहती है कि जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो उसमें पब्लिक और प्राइवेट का पार्टनरशिप पे वो प्रोजेक्ट बनाया जाए, ताकि क्या होगा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको पैसे की भी तंग मतलब बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं लगेगा क्योंकि सरकार से उसको पैसा मिल जाएगा तो वो भी काम टाइमली कंप्लीट कर पाएगा। तो क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ऑलरेडी है तो आगे चल के हो सकता है उस चीज का इनको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। द कंपनी अंडरटेक्स बिल्ड ओन ऑपरेटेड एंड ट्रांसफर, जिसको BOOT बोलते हैं, कि आप बिल्ड करिए आप ओन करिए उसको ऑपरेट करिए, ऑपरेट करके अपना सारा खर्चा निकाल लीजिए जो प्रॉफिट कमा सकते हैं कमा लीजिए 3 4 5 साल में, उसके बाद आप उसको सरकार को हैंड ओवर कर दीजिए। जैसे जो फ्लाईओवर्स होता है उसमें आप देखोगे कि टोल कलेक्शन होता है, ये टोल कलेक्शन का कंसेप्ट क्या होता है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये फ्लाईओवर बनाया है उसने अपने पैसे लगाए हैं उसको सरकार से परमिशन मिला है कि ठीक है 5 साल तक आप फ्लाईओवर का टोल कलेक्शन आप करिए। तो क्या हुआ सरकार के पॉकेट से रुपया नहीं लग रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया फ्लाईओवर बना दिया, हो सकता है 5 साल 10 साल जो भी गवर्नमेंट के साथ उसका अग्रीमेंट है उसमें टोल कलेक्ट कर करके वो अपना सारा पैसा वसूल लेगा और उस पीरियड के बाद फाइनली वो सरकार को हैंड ओवर कर देगा कि अब ये फ्लाईओवर आपका। तो दिस इज कॉल्ड बूथ मॉडल। ठीक है, प्रोजेक्ट्स टू प्रोवाइड ट्रांसमिशन नेटवर्क सॉल्यूशंस। रेवेन्यू का अगर मैं बात करूं तो ईपीसी डिवीजन से 90% का करीब रेवेन्यू आता है इनका और विंड डिवीजन से 8 10% रेवेन्यू आता है। जो जो डेटा सेंटर का बिजनेस जो मैंने तीसरा बिजनेस इनका बताया वो अभी बहुत नया बिजनेस है तो उससे अभी फिलहाल कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है। अगर इनके क्लाइंट्स का मैं बात करूं तो डोमेस्टिक क्लाइंट्स जो है इनके पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा केमिकल्स एटसेट्रा है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स में इनके अफगानिस्तान, बर्शाना, ब्रेशना शिरकत है, शयांग ट्रांसफॉर्मर ग्रुप कंपनी, युगांडा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी। तो ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए भी काम करती है। ऑर्डर बुक का अगर मैं बात करूं, अगर आज के डेट में ऑर्डर बुक का मैं बात करूं तो मैं अभी इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में लेके चलूंगा आपको, उसके बाद पहले देख लेते हैं 2021 का क्या है। तो एज ऑन सेप्टेम्बर 21 द कंपनीज ईपीसी ऑर्डर बुक वॉज 2000 करोड़, ऑफ विच 60% इज डेराइव फ्रॉम ट्रांसमिशन एक्टिविटीज, 28 फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज एंड 12% फ्रॉम जनरेशन। तो ये तो हो गया आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात, ये जो बात हो रहा है ये 1 साल पहले का हो रहा है। मैं अभी का आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी क्या स्टेटस है। तो ये जो है ये फरवरी 22 का ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है जो अपने को वो डेटा मिलेगा, तो एग्जैक्टली सितंबर का तो इन्होंने दिया भी नहीं है तो लेटेस्ट डेटा अपन अपने के अपने पास नहीं है। तो जो भी यहाँ पर अवेलेबल है उसमें दिखाता हूँ आपको कि क्या इनका फिलहाल का ऑर्डर बुक है। ये इनफैक्ट कॉनकॉल का ट्रांसमिशन है, ये ऑर्डर बुक नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने ये पीपीटी में भी एक्चुअली इन्होंने ये ट्रांसक्रिप्ट डाल रखा है इसका, तो मेरे पास यहाँ पर कुछ है ऑर्डर बुक का डेटा आई थिंक। हाँ
ये है ऑर्डर बुक। तो अगर मैं बात करूं इनका ऑर्डर बुक का, तो एज ऑन सितंबर 22 ये ऑर्डर बुक टोटल इनके पास जो है ये 3,480 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। तो 3,480 करोड़ का ऑर्डर बुक इनके पास है, जो कि पिछले साल 2,000 करोड़ का था। तो ऑर्डर बुक इज गुड। आप देख सकते हो कि कौन कौन से क्लाइंट से इनको ऑर्डर मिला हुआ है। तो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम से 42% ऑर्डर है, PGCIL से 18%, REC पावर डिस्ट्रीब्यूशन से 7.5%, खादवा भुज से 6.6%, त्रिपुरा से 6.6%, स्टरलाइट से 4%। तो ये सारे इनके पास ऑर्डर मिले हुए हैं। तो जिसमें जनरेशन से इनको जो ऑर्डर मिला हुआ है ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ का, ट्रांसमिशन से ऑर्डर मिला हुआ है 1,700 करोड़ का, और 280 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन से इनको ऑर्डर मिला हुआ है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटल ऑर्डर बुक इनके पास कितना है, 3,480 करोड़। और ऑर्डर पाइपलाइन जो इनके पास है अभी भी 500 करोड़ का ऑर्डर का पाइपलाइन है जो इनको मिलने वाला है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि स्मार्ट मीटर के ऑर्डर इनको जम्मू एंड कश्मीर में 2,50,000 मीटर के ऑर्डर मिले हैं वर्थ 338 करोड़, ये मिलने वाला अभी पाइपलाइन में। तो ये इंटरेस्टिंग है कि ये लोग स्मार्ट मीटर के प्रोजेक्ट्स में भी है, तो विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइन। तो स्मार्ट मीटर में ये लोग ऑलरेडी है, तो वो एक अच्छा साइन है हमारे लिए। तो आगे चल के इनका बिजनेस क्या है वो भी देखते हैं, आगे चल के ये लोग क्या चीज पे फोकस करना चाह रहे हैं। तो इनका डाइवेस्टमेंट इन्होंने किया है, द कंपनी हैज सोल्ड द एंटायर स्टेक ऑफ 49% इन ट्रांसको प्राइवेट लिमिटेड, 74% इन पटरन ट्रांसमिशन। मतलब इनका जो मैंने बताया कि विंड मिल्स ये लोग लगाते हैं और उसके बाद असेट क्रिएट करके उसको बेच देते हैं। तो ये जॉइंट वेंचर में कुछ प्रोजेक्ट किया जिसको इन्होंने अच्छे खासे दाम पे बेचा है। तो 310 करोड़ पे बेचा है, 225 करोड़ पे बेचा है। FGD एंड डाटा सेंटर इनका आगे चल के ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है, क्योंकि डाटा सेंटर का रिक्वायरमेंट हम लोग सब जानते हैं कि डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, और ये डेटा लोकलाइजेशन की वजह से डेटा सेंटर अपने आप में मे बी $10 बिलियन का इंडस्ट्री बन सकता है इंडिया में। तो वहां पर क्योंकि ये लोग डेटा सेंटर बनाने का भी स्टार्ट किए हैं, द कंपनी हैज बिगन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप डेटा सेंटर ऑफ 25 MW इन चेन्नई तमिलनाडु, एंड प्लान्स टू सेटअप 30 MW IT लोड डेटा सेंटर इन चेन्नई। तो डेटा सेंटर में भी दो प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, और अगर ये दोनों सक्सेसफुल हो गया तो हो सकता है आगे चल के उनको और भी बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं इनसे। बट अभी फिलहाल हमारे पास कोई भी इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जहां से हम जज कर पाए कि ये लोग डेटा सेंटर में कितने अच्छे हैं या बुरे हैं। सो अभी हम लोग कोई कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, बट जो स्टेप इन्होंने लिया है, इट लुक्स लाइक कि डेटा सेंटर कैन प्रोवाइड देम अ ग्रोथ ड्राइवर। न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स का बात करें तो कंपनी को फ्लू गैस जो FGD टेक्नोलॉजी में बताया उसका ऑर्डर इनको मिला था 500 मेगावाट का बोकारो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन से 319 करोड़ का। इट हैज ऑल्सो रिसीव्ड ऑर्डर वर्थ ₹106 करोड़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट मीटरिंग वर्क एट जम्मू कश्मीर, विच विल एक्सपैंड टू एन ऑर्डर वर्थ 205 करोड़ इन ड्यू कोर्स। तो स्मार्ट मीटर के लिए पहले भी ऑर्डर मिल चुका है, और अभी हम लोगों ने देखा कि पाइपलाइन में भी काफी ऑर्डर है इनके पास। नेक्स्ट फॉरेन प्रोजेक्ट का बात करें तो केनिया में इन लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, अफगानिस्तान में किया है। इन्वेस्टमेंट का बात करें तो मार्च 21 में टोटल इन्वेस्टमेंट इनका 413 करोड़ का था, और इनका फोकस ये है कि EPC बिजनेस को ये लोग बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी इनका बैलेंस शीट हम देख लेते हैं क्या सिचुएशन है फिलहाल। तो बैलेंस शीट में इनके पास रिजर्व में 1,900 करोड़ है, बोरोइंग्स 20 करोड़ का है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अदर लाइबिलिटीज में इनके पास 330 करोड़ का ट्रेड पेबल्स है। दैट इज अ क्वेश्चन कि इतना ज्यादा ट्रेड पेबल्स क्यों है इनका, क्यों नहीं ये पेमेंट कर पाते हैं। फिक्स्ड एसेट का बात करें तो 440 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है। अदर एसेट्स का बात करें तो इनके पास ट्रेड रिसीवेबल्स में 600 करोड़ है, तो यानी कहीं ना कहीं डेटर्स इनका काफी हाई रहता है। कैश में 146 करोड़ है, विच इज अ गुड साइन। एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस इन लोगों ने 160 करोड़ रुपया दे रखा है। अदर एसेट आइटम में इनके पास 337 करोड़। तो ये अदर एसेट आइटम अचानक से इतना क्यों बढ़ गया, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। तो ये हम लोग को जब एनुअल रिपोर्ट आएगा ना, अभी तो हम लोग को नहीं पता चलेगा, जब एनुअल रिपोर्ट आएगा मार्च के बाद तभी पता चलेगा कि ये अदर एसेट आइटम में एक्चुअली क्या होता है। कैश फ्लोज का बात करें तो रेगुलर बेसिस पे अच्छा कैश फ्लो जनरेट करती है कंपनी, पिछले 4-5 साल से कैश फ्लो जनरेट कर रही है। अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 224 करोड़ जो माइनस है उसमें 415 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने खरीदा है, और
कुछ कम रिडेम्पशन और कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स से वजह से 177 करोड़ इनको मिले, तो 415 करोड़ का क्या इन्वेस्टमेंट खरीदा है, दैट इज ऑल्सो समथिंग वी शुड लुक एट, जो एनुअल रिपोर्ट से हम लोग को पता चलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 60% होल्डिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने अपना होल्डिंग थोड़ा सा रिड्यूस किया है, देखिए 30-32% से घटाते घटाते आज ऑलमोस्ट 27% हो गया, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। अगेन पब्लिक के पास का बात करें तो 6% से बढ़ते बढ़ते पब्लिक के पास आज 11.5% है, यानी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स अपना होल्डिंग धीरे धीरे कम कर रहे हैं और वो सारा होल्डिंग पब्लिक के पास आ रहा है। तो ये देखने लायक होगी कंपनी की क्या आगे उनका परफॉर्मेंस रहता है, क्या चीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत, कि ये कंपनी क्या काम करती है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, आगे इनका ग्रोथ ड्राइवर्स ये लोग कहाँ से उम्मीद करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तक लिए बाय बाय।